दोस्तों, आए दिन आप कैंसर से होने वाली मौतों के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर यह कैंसर क्या है और यह क्यों होता है? तो आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। हमारी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और इन कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है, जो कि सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन जब यह असामान्य रूप से बढ़ने लगती है और ट्यूमर का रूप ले लेती है, जो आगे चलकर कैंसर का कारण बनती है। कोशिकाओं की इन्हीं अनियमित वृद्धि को कैंसर का कारण माना जाता है। आइए अब जानते हैं कैंसर के लक्षणों के बारे में, जिन्हें आप पहचान कर कैंसर से बचाव कर सकते हैं, जिसमें अचानक वजन कम होना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, बॉडी में किसी भी प्रकार की गांठ बनना, त्वचा में बदलाव होना, बॉडी में बहुत दर्द होना, कमजोरी लगना, लिम्फ नोड में सूजन आना और एनीमिया जैसे लक्षण दिख सकते हैं। वैसे तो कैंसर के कई प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रकार के होते हैं जिससे सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, जिनमें ब्लड कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, स्तन कैंसर, ब्रेन कैंसर, त्वचा का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और मुंह का कैंसर शामिल है। पहले चरण में कैंसर एक छोटा ट्यूमर होता है और कैंसर कोशिकाएं केवल एक क्षेत्र में फैलती हैं। दूसरी और तीसरी स्टेज आते आते ट्यूमर बड़ा हो जाता है और कैंसर कोशिकाएं आसपास के मौजूद अंगों और लिम्फ नोड में भी फैलने लगती हैं। चौथी स्टेज, जो कि बहुत ही खतरनाक व आखिरी होती है, जो कि अंगों में फैलकर उन्हें खराब कर देती है, जिसमें कैंसर पीड़ित महिला या पुरुष की मौत हो जाती है। इस स्टेज को मेटास्टेटिक कैंसर भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या कारण होते हैं जिसमें कैंसर जैसी बीमारियों की चपेट में व्यक्ति आ जाता है। कैंसर होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें अनुवांशिक, पर्यावरणीय प्रदूषण, तंबाकू चबाना या किसी भी तरीके का नशा करना, ऐसा खाना जिसमें कीटनाशकों से दूषित सब्जियां या अन्य किसी खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल किया गया हो, रेडिएशन के संपर्क में लंबे समय से बने रहना। इस बीमारी को कन्फर्म करना सबसे जरूरी हो जाता है, जिससे इस बीमारी से बचाव किया जा सके, जिसमें CBC, WBC, CT स्कैन, MRI, हीमोग्लोबिन टेस्ट जैसे टेस्टों को कराना होता है। अगर इन टेस्टों के होने के बाद भी कैंसर का या उसकी स्टेज का पता नहीं चलता है, तब बायोप्सी टेस्ट किया जाता है, जिसमें पेशेंट की बॉडी से सैंपल लिया जाता है, जिसमें यह पता किया जाता है कि ट्यूमर में जो कोशिकाएं हैं वह कैंसर कोशिकाएं हैं या नहीं। यह टेस्ट सामान्य टेस्टों से थोड़ा महंगा होता है, जिससे कैंसर होने की पुष्टि हो जाती है। आइए अब हम कैंसर के इलाज के बारे में जान लेते हैं। सामान्यतः कैंसर के उपचार में मुख्य रूप से सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट शामिल है। सर्जरी के द्वारा डॉक्टर ट्यूमर, ऊतक, लिम्फ नोड्स या कैंसर प्रभावित क्षेत्र को हटाते हैं। कीमोथेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए केमिकल से संबंधित दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन इस थेरेपी के कई साइड इफेक्ट होते हैं, जिसमें बालों का झड़ना मुख्य रूप से शामिल है। रेडिएशन थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए रेडिएशन बेस्ड तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो सीधा असर करती हैं और उन्हें दोबारा बढ़ने से रोकती हैं। इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें रोगी के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जाता है, जिससे हमारी बॉडी कैंसर कोशिकाओं से लड़ सके। हार्मोन थेरेपी, इस थेरेपी का उपयोग उन कैंसर के लिए किया जाता है जो हार्मोन से प्रभावित होते हैं। हार्मोन कैंसर से स्तन और प्रोस्टेट कैंसर में काफी हद तक सुधार होता है। दोस्तों, ये थी कैंसर से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।